औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब किसी न किसी हद तक जानते हैं कि 1947 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी और इंतजामी कश्ती थपेड़ों की जद में थी। मुल्की वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम में वाज़ेह तौर पर भारत को नवाजते हुए पाकिस्तान को कमजोर रखने की शौरी कोशिश की गई। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि वसाइल की इस तकसीम को उन खतूत की बुनियाद पर किया गया कि ये नौजायदा सल्तनत खाकम बदहन अपनी चंद रोजा हयात मुस्तार के बाद खुद ब खुद भारत माता की गोद में जा गिरे। लेकिन अल्लाह ने अगरचे इसके बचपन में इसे जाहिरी वसाइल में कमजोर रखा, लेकिन इसने इस मुल्क के बासियों को ऐसी सलाहियतों से नवाजा कि उन्होंने ना सिर्फ इंतहाई कलील मुद्दत में अपनी मादरे वतन को अपने पांव पर खड़ा किया, बल्कि उसे एक एजेंसी भी दी जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन बल्कि नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसियों में होता है। मोतबर रिवायात के मुताबिक ISI का बुनियादी ख्याल कायदे आजम मोहम्मद अली जना के जरखेज दिमाग में मौजूद था, लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा न की कि वो इसकी इर्तकाई मनाजिल का अपनी आंखों से नजारा कर सकते। अगरचे से कबल भी हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और MI मौजूद थी, लेकिन जो इज्जत और वकार ISI के हिस्से में आया वो शायद ही किसी और का मुकद्दर बन सके। मुअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हज़रात, कराची में अब्दुल्ला हारून रोड पर वाके एक छोटी सी इमारत में मामूली फर्नीचर के साथ ISI का दफ्तर खोला गया और 14 जुलाई 1948 को दुनिया की इस अजीम इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए कि ऐसे दौर में जब पाकिस्तान को अपने दफातर के लिए स्टील की पिने तक मुयसर ना थी और बैठने के लिए कुर्सियां तक नाकाफी थी, ऐसे नाखुशगवार माहौल में इस एजेंसी के मुमारों ने इसकी तामीर कुछ ऐसे खलूस और लगन के साथ की कि आज दुनिया भर में इसका नाम एहतराम के साथ लिया जाता है। इन नासाजगार मौसमों में कायम होने वाली इस अजीम एजेंसी के सरबरा कर्नल शाहिद और उनके साथियों ने अमली तौर पर दुनिया को यह बावर कराया कि बकौल शायर, हिम्मत आली के सामने हेच है वरना तस्वीरें जहां पेच दर पेच है। उन्होंने लकड़ी के क्रेटों से कुर्सियों और मेजों का काम लेते हुए अपनी जेबें खास से भी खर्च करके अपने इस नौमौलूद इदारे के खदोखाल को संवारा। इब्तिदा में जबकि ISI अपने तामीरी मराहिल से गुजर रही थी तो अमले के अफराद के लिए तीनों मुसल्ला अफवाज से अफरादी कुव्वत हासिल की गई, लेकिन बाद अज़ां सिविलियन अफराद भी भर्ती किए गए जिनमें से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से था। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क की इस मायानाज एजेंसी को मुल्की दिफा के लिए एक नाफे इदारा बनाने के लिए ISI के दो डायरेक्टरों सैयद काजिम रजा और मोहम्मद हुसैन दीन का किरदार कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा, जिन्होंने अपनी पूरी तवानाइयां सरफ करते हुए इस एजेंसी के रिक्रूटों की तरबियत की। कवानीनों जवाबित के मुताबिक ISI के सरबरा किरण शाहिद हामिद की जिम्मेदारी थी कि वो इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजे। इस मोड़ पर उनके नायब साहबजादा यकूब खान, जो कि बाद अज़ां पाकिस्तान के वजीर खारजा भी बने, को खिराज तहसीन पेश न किया जाए तो करीने इंसाफ ना होगा, जो उस वक्त एक मेजर थे और उन्होंने इस इदारे को तिनका तिनका जोड़कर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आशियाना बना दिया जो आज तक मादरे वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों, खा वो अंदरूनी तौर पर हों या बैरूनी तौर पर, को नाकाम बनाने का फरीजा अंजाम दे रहा है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की इस मुअज़्ज़ज़ और मारूफ एजेंसी को बैनुल अक्वामी सतह पर दरअसल शोहरत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया के अहदे हुकूमत में उस वक्त की सुपर पावर रूस ने अफगानिस्तान में अपने कदम गाड़ने की कोशिशें नाकाम की। और जाहिर है अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है, जिसके साथ पाकिस्तान की हजारों मील लंबी सरहद मौजूद है। हमने रूस के अफगानिस्तान पर उस हमले को अपनी खुद मुख्तारी के लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया, और ऐसा क्यों ना होता कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी सामने नजर आ रही थी। लेकिन उस खूनी मौसम में ISI ने वो किरदार अदा किया कि सुर्ख रीच को अपनी बका पड़ गई। हर चंद इसमें अमेरिका की तरफ से भी बहुत मदद हासिल थी, लेकिन इस जंग में हमारी इस इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बुनियादी था, जिसकी वजह से रूस को पसपा होना पड़ा। जबकि इसके बाद अमेरिका की नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग भी, जो कि अफगानिस्तानी की सरजमीन पर लड़ी गई, भी इस एजेंसी के जानदार किरदार ने इसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अलगर्ज़ इसके जवानों ने दुनिया से ये बात तस्लीम कराने में कोई कसर ना छोड़ी कि ISI पाकिस्तान की वो आंख है
जो दुश्मनों और उनकी तरफ से की जाने वाली साजिशों को रात के अंधेरे में भी पहचानने की गलती कभी नहीं करती। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।